नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चंडीगढ़ के अंदर कनक वितरित होनी शुरू हो चुकी है और इस वक्त मैं मनी माजरा के कम्युनिटी सेंटर में हूँ। मेरे साथ इंस्पेक्टर नीरज घाई मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बटरी सर, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा बताएं। मनी माजरा में यहाँ गोविंदपुरा कम्युनिटी सेंटर में हम अभी कनक का वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भाग 6 शुरू हो चुका है। हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है और मनी माजरा में कुल 7,500 परिवार हैं जो कि दो सेंटरों पे हम कवर कर रहे हैं। एक तो गोविंदपुरा ही है जिसमें मैं अभी वितरण कर रहा हूँ, दूसरा शिवालिक गार्डन जहाँ पे हमारे एक साथी इंस्पेक्टर वितरण कर रहे हैं। तो अच्छा चल रहा है। एक इसमें सबसे बड़ी बात जो है सर, लोगों को ना वो अवेयरनेस नहीं है कि कहीं हमें कनक आज लास्ट मिलनी है, कल नहीं मिलेगी, तो उनके लेके सर आप क्या कहना चाहेंगे, कब तक कनक मिलेगी सर और किस किस लोगों को मिलेगी उसके बारे में बताएं। इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ने ये जो वितरण है शुरू होने से पहले ही एक पब्लिक नोटिस जारी किया था अखबार के थ्रू। सभी जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं चंडीगढ़ के, चाहे इंग्लिश या हिंदी, उसमें सरकार ने एक ऐड दी थी, एक पब्लिक नोटिस के थ्रू अवेयरनेस दी थी कि इन सेंटर्स पे शुरू होगा और इन डेट्स पे वहाँ पर वितरण रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने उसको पढ़ा है वो उसको फॉलो करके यहाँ पे आ भी रहे हैं। ठीक है। अगर परिवारों की बात करें तो एक परिवार को कितनी कनक मिल रही है, कितनी एक परिवार को कितनी कनक मतलब मिलती है और उसके साथ भी कुछ और मिलता है? ये करीबन 6 महीने का ये वितरण है, ये अप्रैल 2022 से लेके सितंबर 2022 का है, 6 महीने का। तो इसमें प्रति महीने 5 किलो कनक एक मेंबर को मिलनी है, जिसके तहत 6 महीने की हमारे पास 30 किलो कनक बन जाती है एक परिवार के एक मेंबर के लिए। सपोज हमारे पास एक परिवार में 4 मेंबर हैं तो 4 को गुना करेंगे आप 30 से, तो 1 क्विंटल 20 किलो कनक मिलेगी उसे। सर एक चीज़ मैंने और भी देखी कि यहाँ जो लोग कनक ले रहे हैं सर, वो सबसे बड़ी बात ना सर, कई लोग अपाहिज भी आते हैं यहाँ पे कनक लेने, और कई बुजुर्ग लोग आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं कि जो खड़े नहीं हो सकते लाइन में, और शायद लोगों ने जैसे कि मैं बताया कि 3-3 घंटे में लाइन में खड़े होते हैं, तो सर उन लोगों के लिए डिपार्टमेंट या यहाँ क्या सुविधा है? जो अपाहिज हैं और जो सीनियर सिटीजन जिनको हम कहते हैं 60 साल से ऊपर की एज के, उनके लिए हमने एक स्पेशल प्रोविज़न किया है यहाँ पे कि अलग से उनके लिए एक लाइन बनाई गई है। तो और हमने उनको चेयर्स भी दी हैं यहाँ पर, सामने हमने चेयर्स भी रखी गई हैं, उस पर बैठ के वो आराम से अपना जब भी उनको बुलाया जाएगा वो कनेक्ट ले सकते हैं। एक चीज़ और कि कई लोगों के रिकॉर्ड के अंदर, आपकी रिकॉर्ड के अंदर मतलब लिस्ट जो आपकी है उसके अंदर नाम नहीं है और वो कहीं ऐड भी करा रहे हैं या कुछ है, मतलब कि आपके पास इस टाइम भी आते हैं ऐड कराने के लिए सर, हमें कनक नहीं मिलती है तो हम कैसे ऐड करवाएंगे, तो उनके लिए कब कैसी योजना निकलेगी सर उसके बारे में बताएं। देखिए जब वितरण हो रहा होता है उस समय में तो हम ऑफिस में जो एडिशन का काम है राशन कार्ड में या नया राशन कार्ड जो बनता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि सभी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटीज़ लग जाती है फील्ड में, तो इंस्पेक्टर का ऑफिस में होना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो इसमें हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने से ठीक पहले हमने कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, मतलब हर जितने भी प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं चंडीगढ़ के। तो मैं खुद दड़ुआ एरिया में और मौली जागरण एरिया में काफ़ी एक्टिव था उस समय में, तो उसमें मेरे इलाके में ही कुछ 500 प्लस कार्ड हमने जारी किए हैं करीबन 15 दिन के अंदर। तो ये जो है कार्य दोबारा से शुरू होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ये पार्ट 6 हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो है अक्टूबर का समय, अक्टूबर में दोबारा से खुल जाएगा काम। तो उसे 3 दिन हो गए कनक बढ़ते को सर, तो अभी तक आज तक कितने लोगों को मतलब मनी माजरा कितने लोगों कनक जा चुके उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे गोविंदपुरा कम्युनिटी सेंटर है, इसमें हमने करीबन 3 दिन में मेरे ख्याल से 1500 परिवारों को कनक मार चुके हैं, और जो दूसरा हमारा शिवालिक गार्डन वाला चल रहा है उस पे भी हमने मेरे ख्याल से 1300 या 1400 परिवार कवर कर लिए हैं, तो करीबन 2800-2900 फैमिलीज हम कवर कर चुके हैं 3 दिन में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर नीरज गई, जिन्होंने साफ बातचीत में बताया कि विकलांग के लिए और बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है और काफी दिनों तक कनक मिलती रहेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत वर्मा के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।